यस स्टूडेंट, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट ऑफ डेली लाइफ के अंदर जो अपन थर्ड जो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं आज, वो है बेकिंग सोडा। इससे फर्स्ट सेकंड जो अपन ने पढ़ा था वो कौन सा था, ब्लीचिंग पाउडर है ना, और उससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ अपन बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ठीक है। यहाँ वही प्रिपरेशन मेथड अपन को पढ़ना है सोडियम बेकिंग सोडा के लिए। तो बेकिंग सोडा का जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें अपन क्या करेंगे, NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड जिसे अपन कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना, और इसे लेकर के पानी के अंदर डिसोल्व करा देते हैं। जैसे ही पानी के अंदर डिसोल्व करवाएंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक्वस फॉर्म में होने के बाद फिर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से यहाँ पर ये जो एक्वस सॉल्यूशन बना है, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों जो हैं वो गैसेस फॉर्म के अंदर इसमें से पास आउट करवाते हैं। और जैसे पास आउट करवाएंगे, इसमें से पास करवाएंगे इन गैसेस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो इनके बीच में यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होगी और बेकिंग सोडा बन जाएगा, और साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ ये जो बेकिंग सोडा होगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा यानी कि कम सोल्यूबल होगा इसके अंदर। ये एक्वस फॉर्म के अंदर है और ये इनसॉल्यूबल है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर आगे फर्दर अपन जो है इसको फिल्टर करके इसको अलग कर लेते हैं, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन अलग हो जाता है और बेकिंग सोडा जो हो जाता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ अपन इसके यूजेस पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेकिंग सोडा के यूजेस बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है जगहों पर किया जाता है। सबसे पहला, इट इज़ यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा। पकोड़ास बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग इट अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। जब इसे कुक किया जाता है यानी क्या किया जाता है, जब पकोड़े बना रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर बेकिंग सोडा, अच्छा बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो यहाँ अपन क्या करते हैं बेकिंग सोडा को इसके अंदर एज ए इंग्रेडिएंट उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो क्रिस्पी बन जाता है, उसके अंदर क्रिस्पीपन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे कि जैसे ही अपन इसमें क्रिस्पीपन लाना है अपन को, तो बेकिंग सोडा अपन इसमें यूज में ले रहे हैं और इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे अपन उस पकौड़ा को हीट देंगे, हीट देने पर क्या होगा कि क्योंकि उसके अंदर अपन ने क्या ऐड करवाया है, बेकिंग सोडा, और ये जो बेकिंग सोडा है हीट करने पर यहाँ से अपने में से वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल दोनों ही गैसेस फॉर्म में यानी कि वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और वेपर की फॉर्म में बाहर निकलने के बाद उस फूड के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिस्पी बना जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर। इसी तरह से इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शर्स। फायर एक्सटिंक्शर्स का मीन्स है जैसे आग बुझाने, आग बुझाने के लिए नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज में ली जाती है, CO2 गैस यूज में ली जाती है। तो यहाँ अपन ये देख रहे हैं कि अगर जब अपन इसे हीट प्रोवाइड करवाते हैं या इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ये अपने में से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। तो क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर सकता है, इसी वजह से इसका यूज़ जो है फायर एक्सटिंक्शर्स के अंदर भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंट एसिड या एंटा एसिड, है ना। यहाँ एंटा एसिड या एंट एसिड का मीन्स ये है कि एसिड के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट काम करना। एसिड यानी कि जैसे मान लीजिए आपके ये होता आंट ने या चींटी ने आपके हाथ पे काट लिया, तो फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, आपके जलन होने लग जाती है। आप क्या करते हो, कुछ अमाउंट के अंदर बेकिंग सोडा लेकर के और अपने हथेली के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर आपका आंट स्टिंग हुई है वहाँ पर रफ करते हो, रबिंग करते हो, तो रफ करने पर धीरे धीरे ये जो जलन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एसिड जो है, जो एसिड था एंट का, जो एसिड था उस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा कौन, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा रिएक्ट करने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, रिएक्शन जो होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी।
अच्छा, इसका यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, माइल्ड कोरोसिव नेचर का होता है। अब माइल्ड कोरोसिव नेचर का मतलब ये है कि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिल्कुल हल्का सा या बिल्कुल नए के बराबर जो है इफ़ेक्ट करता है स्किन को। लास्ट जो इसका यूजेज है, इट इज़ यूज इज एन इंग्रीडियंट ऑफ मेकिंग केक एंड ब्रेड फुलफुली, यानी कि उसे ब्रेड को और केक को फुलफुली या स्पंजी टाइप का बनाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना सॉल्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.HF2O, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुत सी बार कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP का केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो CaSO4.HF2O है। प्रिपरेशन मेथड में यह होता है कि जनरली क्या होता है, अपने पास जिप्सम प्रेजेंट होता है, जिप्सम जो है वो माइंस से मिलता है, यहाँ ये जिप्सम है अपने पास, माइंस से मिलने वाला मटेरियल है ये, डायरेक्ट अवेलेबल हो जाता है माइनिंग के थ्रू जिप्सम, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब इसे जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, अपने में से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है, लॉस कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, जैसा कि इस रिएक्शन में बताया हुआ कि 1.5 मॉलिक्यूल जो है H2O यहाँ से रिलीज हो रहा है, बाहर निकलता है, और फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4.HF2O, जो कि किसका फॉर्मूला है, POP का फॉर्मूला है। तो इस तरह से जो है जिप्सम के थ्रू ही क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है POP का। देन उसके बाद इसके यूजेज, आप लोग जानते हो कि डॉक्टर इसका यूज़ करता है प्लास्टर बांधने के अंदर, यानी कि मान लीजिए किसी की बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, तो बोन्स के फ्रैक्चर होने पर उसको वापस से सेटल डाउन करने के लिए, उसे वापस उसी जगह पर सेटल करने के लिए क्या किया जाता है, एक हार्ड प्लास्टर लगाया जाता है कुछ टाइम के लिए, 10 डेज, 15 डेज या मंथ या 2 मंथ के लिए जो है फ्रैक्चर वाली बोन को वापस सेटल करने के लिए एक हार्ड सब्सटेंस लगाया जाता है, एक प्लास्टर लगाया जाता है। और वो जो प्लास्टर होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है कि आपके पास जो प्लास्टर, उनके पास जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वो वापस किससे करवा देते हैं, वाटर से करवा देते हैं, और वहाँ पर एक हार्ड मटीरियल बन जाता है CaSO4.2H2O मॉलिक्यूल, जो कि वापस क्या बन गया, जिप्सम। तो हार्ड मटीरियल होता है जिप्सम, और यहाँ ये जो POP है वो हार्ड नहीं होता है, जब पानी के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। यूज्ड इन फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए, यानी कि आग से बचाने के लिए, किसी मटेरियल को आग से बचाने के लिए, बिल्डिंग को आग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस टाइप के जो मटेरियल बनाए जाते हैं उसमें POP का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग चॉक फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, सिंपल सी बात है, ब्लैक बोर्ड के अंदर जो चॉक से लिखा जाता है, वाइट चॉक से, उसके फॉर्मेशन में भी POP यूज में ली जाती है, और एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स भी जो है इसे यूज में लिया जाता है। ओके,